सलाम अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट बर्गर, अंडे वाला बर्गर। ये हमने बन ले लिया, इसको हम थोड़ा सा सेक लेंगे। इसको हम सेकने के बाद पहले तो इसको हम अच्छी तरह गर्म करके सेक लेंगे। थोड़ा सा तवे को ग्रीस कर लेते हैं, हल्का सा। इससे हम ग्रीस करके थोड़ा बेहतर हो जाएगा। मेरे पास दो तरह के बन हैं, एक ये लंबे वाले और एक है मेरे पास। मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है और एक है मेरे पास ये वाला। एक छोड़ रहा जिसकी वजह से मेरा हाथ भी हल्का हल्का जल रहा है, इसलिए मैं इसको इस उच्चे की मदद से उतारूंगा। तो ये हल्के हल्के इनको हमने सेक दिया है, इसमें साइड पे रख देंगे। उसके बाद आँच बिल्कुल हल्की करके पहले तो हम इस पर ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम अपने जो टिक्की इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वो तल लेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म होने की वजह से मैंने फ्लेम बंद कर दिया, तो ये क्योंकि फ्रोज़न है हमारे टिक्की जो है वो फ्रोज़न है, तो थोड़ी देर में जैसे इसका टेम्परेचर नीचे आएगा हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हल्की आंच में बना देंगे। शैलो फ्राई इसको करना होता है। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसको मैं बनाऊंगा। चटनी
से। अभी गाइस हम इनको उतारने लगे हैं और फिर हम इस पे अंडा फ्राई करेंगे और लेट्स सी आके क्या होता है। अभी हम इसमें अंडा बीट करके तो अभी ये हम इसको बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसको टिक्की को सबसे पहले आप इसको करके अपने बन पे फैला लें। ये हमने अपने जो टिक्कियाँ थी वो कबाब पे फैला दी। इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी जी हल्दी वाली सॉस डालेंगे जिससे हमारा हम ये केचप इस पर डालेंगे। हमारे घर में दूसरी केचप ख़त्म हो गई है तो ये हमारे पास ये वाली केचप साशे वाली ये अवेलेबल थी।
जी फ्रेंड्स, में मैंने डाल ली है केचप और सॉस। अभी इसके बाद मैं इसके ऊपर सॉलिड डालूंगा। सॉलिड में कर देते हैं, मेरे पास प्याज है इसमें। इसे ये देखो, और इसके बाद ये मेरे पास बंद गोभी है, ये देखो। ये हो गया, इसी तरह मैं अभी सब पे डाल दूँ। सैलड डालने के बाद अभी मैं ये अंडा इसमें डालूंगा। ओके, ये अंडे ये देखा कैसे पूरा आ रहा है। अंडा डालने के बाद मैं हल्का हल्का इसमें मसाला डालूंगा। ये देखें गाइस, अब इसको मैं बंद करके हल्का हल्का फिर से एक बार तवे पे सेक लूँगा, एंड देन इसको फिर खा लूँगा। ये हो गया रेडी। इसके बाद इसी तरह ये वाले भी राउंड वाले कबाब और ये हो गया। ये हो गए रेडी।